क्षमा कर दो अर्चना, अनजाने में मैंने तुम्हें ऐसा दंड दिया है जिसकी तुम अधिकारी नहीं थी। अपनी उस भूल का प्रायश्चित करने आया हूं। हो सके तो इस अभागे को क्षमा करना, मुझसे भूल हो गई अंजना। स्वामी, आप कैसी बातें कर रहे हो? आप मुझसे क्षमा मांगकर मुझे लज्जित ना करें। पति तो परमेश्वर होता है और आप मेरे परमेश्वर हैं। नहीं अंजना, नहीं, मैं कोई परमेश्वर नहीं हूं। मैं तो तुम्हारा अपराधी हूं। तुम जो भी दंड देना चाहो मुझे स्वीकार होगा। नहीं स्वामी, मैं तो आपके चरणों की दासी हूं और दासी का कर्तव्य तो केवल पति के चरणों में होता है, और मैं तुम्हें दंड कैसे दे दूं? और कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अंजना, मेरी अंजना, मेरी अंजना, अंजना। बार माता जी और पिताजी से भी मिल लेते। और अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए तो उनको यह रत्न मुद्रिका दिखा दूंगी। लोग वह समझ जाएंगे। अब मैं चलता हूं, चलता हूं, हाँ चलता हूं। मेरे स्वामी,
मुझे बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। आज मेरा मन बहुत प्रसन्न है। पवन अपनी अंजना से मिलने आए। उसके पश्चात उन्हें पश्चाताप हुआ और अंजना से मिलकर रण क्षेत्र में चले गए और उधर धीरे धीरे समय और व्यतीत हुआ। इधर अंजना अपने अंता कक्ष में है। अंजना क्या हुआ? कुछ नहीं माताश्री, बस यूं ही थोड़ा जी घबरा रहा है। अच्छा, मैं तो कुछ समझती नहीं है। मैं भी एक औरत हूं, एक दूसरी औरत की शारीरिक भंगमाओं को भली बात ही समझती हूं। सच सच बता, क्या बात है? नहीं माता श्री, नहीं कुछ भी नहीं। सच सच बता, क्या किया तूने और किसके साथ? जी, इतना बड़ा अपराध, लज्जा नहीं आई तुझे? तूने तो हमारी कुल की मर्यादा ही बंद कर दी। क्या हुआ महारानी, इतना आवेश में क्यों हो? प्यारी बेटी पर इस तरह क्यों इतना क्रोधित हो रही हो? अच्छा तो पूछे अपनी प्यारी बिटिया से, जिसने हमारे कुल पर कलंक लगा दिया है। कुल पर कलंक? मैं कुछ समझा नहीं। गर्भवती गर्भवती, यह तो कदम नहीं हो सकता। महारानी शायद तुम्हें कोई भूल हो गया है। नहीं महाराज, मुझसे कोई भूल नहीं हुई। यह तो मैं पवन की मां हूं, मैं इसकी क्रियाकलापों को अच्छी तरह समझ गई हूं। तूने क्या कर दिया? हमारे मान सम्मान को एक ही ठोकर में चोट में मिला दिया। इससे पहले कि हमारे शक्ति और रक्त में उबाल आ जाए, दूर अच्छा मैं इस दृष्टि से दूर अच्छा तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। पिताश्री, मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया पिताश्री, जिससे हमारी कुल की मर्यादा भंग हो। कुछ दिन पहले भाई एक रात्रि मिलने आए थे और सूर्य उदय होने से पहले चले गए थे। माँ जी, ये रत्न मुद्रिका मुझे भेज दी। अच्छा, यही सुनना बाकी रह गया था। सुनने के लिए झूठा झूठ झूठा झूठ झूठा झूठ सच कह रही हूँ। हमारी भाग्य की परीक्षा न ले जरा, इससे पहले की दांत दांत का धक्के देकर बाहर निकाले, उससे पहले चले जा। मेरी बात कर चुरी है माजी,
बच्चा यहाँ से आते निकल यहाँ से चल जा यहाँ से हमने कोई जाने अनजाने में घोर पाप किया होगा जिसका दंड हमें इस रूप में भुगतना पड़ा पवन को कैसे समझाएंगे कि उसकी पत्नी की रक्षा भी नहीं कर पाए महाराज शांत महारानी हमें कुछ दिन के लिए एकांत चाहिए एकांत चाहिए एकांत चाहिए हे भगवान जब यह पवन सुनेगा तो उस पर क्या बीतेगी कदाचित अंजना जो कहा वह सत्य हुआ तो हे परमेश्वर मेरे पवन की रक्षा करना मेरे पवन की भैया तुमने जरूर कोई अपराध किया होगा जिसका दंड मिला है जो तुम हमसे छुपा रहे हो नहीं ऐसा कुछ नहीं किया भैया जिससे संसार में तुम्हारा नाम लज्जित हो अंजना तुम मेरी बहन अवश्य हो लेकिन हमें हमारी मर्यादाओं का पालन करना भी आवश्यक है और महलात पहलाद कोई अनुचित निर्णय नहीं ले सकते हे विधाता यह विधि का कैसा विधान है एक तरफ बहन का रिश्ता है इस समय हम कर्तव्य का पालन करें तो कैसे करें और नियति कहती है हम अपनी मर्यादाओं का पालन करें यह उचित है बहना यही उचित है जाओ बहना जाओ तुम अपने कर्म का पालन करो और हम अपने धर्म का पालन करें हो सके तो क्षमा करना पति बेहन स्त्री कैसे गर्भवती हो सकती है और यह भली भांति जानते हैं और पवन तुम्हारा मुंह तक देखना नहीं चाहते थे क्षमा करना बहना क्षमा करना जाओ जाओ और कहते हैं अंजना के भाई ने उनको निकाल दिया अंजना जंगल की ओर भटक रही है हे भगवान कहाँ जाऊं मैं तुम्हारे अलावा इस संसार में कोई नहीं है मेरी रक्षा करो मुझे कोई रास्ता दिखाओ मेरा जीवन व्यर्थ है इस घनघोर जंगल में मैं किसी जानवर का आहार न बन जाऊं
लेकिन नहीं, मैं अपने साथ अपने पति की निशानी कैसे समाप्त कर सकती हूँ? मुझे अपने लिए जीना होगा, जीना होगा। और तभी वहां पर अंजना को रिद्धिधारी मुनिराज स्वामी अमित गति के दर्शन हो गए। आप कौन हैं? हे पुत्री, हताश क्यों हो? तुम्हारी बातों से ऐसा प्रतीत होता है किसी घोर संकट ही तुम्हारी वाणी की व्याकुलता यह बता रही है कि तुम किसी विपदा में फंसी हो। बताओ पुत्री, क्या संकट है? क्या बताऊं मुनिराज, मुझे अपना पर घोर संकट आन पड़ा है। जो पाप मैंने नहीं किया उसका दंड मैं भुगत रहे हो। ना जाने मेरे पाक में पिताता ने क्या लिखा। हे पुत्री, कौन हो, अपना परिचय दो बताओ। हे मुनिराज, मैं महाराज प्रहलाद के पुत्र वधु हूं और पवन के चरणों की दासी हूं। दुखों की मारी धैर्य रखो पुत्री, चिंतन करते हैं। जिस संकट से तुम ग्रसित हो यह सब विधि का विधान है, एक समय तुम्हारे लिए अनुकूल नहीं है। जो व्यक्ति स्वयं कर्म करता है काटना भी उसे पड़ता है। भले ही किसी भी भाव में किया हुआ कर्म हो, तुम्हारा किया ही तुम्हारे आगे आ रहा है। मैं कुछ समझी नहीं मुनिराज, विधि का विधान, कर्म, पूर्व, यह सब क्या है मुनिभर? सुनो पुत्री, तुम राजा महेंद्र की पुत्री अपराध रहित होने पर भी परिजनों द्वारा तिरस्कृत की गई हो। पूर्व भाव में पटरानी पद के अभिमान के कारण अपनी सौत पर क्रोध करते हुए कनकांद्री ने जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को 22 पल के लिए जिन मंदिर से बाहर निकाल दिया था। उसी समय आर्का आपके यहां आहार हेतु पधारे। जिन प्रतिमा का अनादर देखकर आर्का जी ने आहार ग्रहण नहीं किया, आर्का माता जी ने आपको अज्ञानी समझकर और धर्म की आत्मभावना के फल का विचार कर करुणा और बुद्धि पूर्वक आपको उपदेश दिया कि पुण्य के फल छड़े खे परंतु पाप कर्म के उदय काल में जीव नाना प्रकार के दुख भोगता है। बीतरागी जिनेंद्र सुख दुख नहीं देते, पर उस समय अविवेक कृत का परिणाम क्या होगा यह सब सोचने पर आर्का मां ने तुम्हें सदमार्ग दिखाया। उनकी वाणी सुनकर आपने प्रतिमा पुनः विराजमान करवाई और पूजा अर्चना की। इस प्रकार सर्वादेव प्रणीत धर्म की आराधना कर तुम स्वर्ग में गई और इस भाव में राजा महेंद्र की पुत्री अंजना के रूप में जन्म लिया। हे मुनिराज, मुझ पर
आने वाली विपत्तियों का केवल यही कारण है मैं इन कष्टों से दूर, इन कष्टों को दूर करना चाहती हूं। हे पुत्री, प्रतिमा जी के अपमान के कारण ही इस भव में तुम्हें पति वियोग सहना पड़ा और पवन की रुष्टता का कारण तुम भली भांति जानती हो, जिसके कारण पवन को तुम्हें द्वेष हो गया। और पुत्री, चकमा और चकबी रात्रि वियोग को देखकर पवन तुम्हारे प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ। हे पुत्री, भव में पवित्रता को कलंकित किया, इसलिए तुम्हारी पवित्रता आज कलंकित हो रही है। इस भाव में कर्म भोग रही हो। लेकिन मुनिवर, क्या इस भाव में इन कष्टों का निवारण नहीं होगा? संसार रूपी सागर के तारणहार भगवान जिनेंद्र की भक्ति से सहज ही तुम्हारे दुखों का अंत होगा। तुम्हारा पुत्र अत्यंत पराक्रमी होगा, दुखों का अंत होगा। तुम्हारा पुत्र पराक्रमी होगा और शीघ्र ही तुम्हारे पति का संयोग भी होगा। प्रमाद रहित रहकर धर्म कार्य करो। आशीर्वाद है पुत्र, आशीर्वाद है पुत्र। नमोस्तु गुरुदेव। और इस प्रकार भूखी प्यासी अंजना उस बियाबान जंगल में एक गुफा में चली गई। गुफा में मुनि सुव्रत नाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान कर अंजना प्रभु आराधना में लीन अपने कष्टों को विस्मृत कर चली। और कैकोस चलते चलते निडाल होकर एक शिला पर गिर पड़ी और अकस्मत अंजना के मामा वैराग्य धारण कर चुके थे और वन विहार करते हुए उसी मार्ग से गमन कर रहे थे जिस शिला पर अंजना बेसुध थी। बियाबान जंगल में यह अबला स्त्री कौन है जो इस तरह निडाल पड़ी है? देखता हूं पुत्री कौन हो। अरे यह तो अंजना है। बेटी अंजना, अंजना बेटी आंखें खोलो। मामा जी, यह कैसी दशा बना रखी है? मामा सिरे, हाँ पुत्री, लेकिन तुम यहां कैसे? चलो तुम मेरे साथ चलो। कहाँ चलो मामा सिरे, कहाँ चलो मामा सिरे? मैं ने मेरा तिरस्कार कर दिया। अब इस जंगल में भटकने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। कैसी बातें कर रही हो पुत्री? तुम मेरी कुटिया पर चलो, वहां पर पहले विश्राम करो। धैर्य रखो पुत्री, सब ठीक हो जाएगा। आओ। हाँ मामा। अच्छा हुआ पवन, यौता जी तक आए और हंसी महाराज से पीछा छूटा। जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। अब अपने घर जाएंगे।
और अपनी पत्नी के साथ सुख शांति पूर्वक रहेंगे और आनंद गान करेंगे। हाँ सत्य के रही हो जयदेव, अब मैं भी अपनी अंजना के साथ प्रेम वार्तालाप करूंगा और खोया हुआ उसका सम्मान दिलवाऊंगा। जयदेव अब तो उसकी गर्व के चिन्ह भी प्रकट हो गए होंगे। चलो चलते हैं। क्या बोलते हो पवन, तुम्हारे पुत्र हुआ होगा या पुत्री? कुछ भी हो, जो भी प्रभु ने दिया होगा मुझे स्वीकार होगा। चलो अति शीघ्र महलों की ओर चलते हैं। चलो देखो महलों की ओर जाओ तुम, मैं तो चला अपने घर। बहुत समय हो गया पत्नी के हाथों से हलवा पूड़ी खीर गुलाब जामुन वगैरह 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 बहुत समय से नहीं खाया, मुंह में पानी आ रहा है। आओ पवन एक बार गले मिल लेते हैं। ठीक है चलते हैं। हाँ अभी महलों में चलते हैं, शाम को पुनः मिलते। बस बहुत हो या मिलना मिलाना, अब तो 12 बच्चों को देखना है, मैं नहीं आने वाला, बुलाना भी मत। बचा लो, मैं फिर से आ रहा। अरे जयदेव डरो मत, मैंने ही आवाज निकाली थी। मत करना ऐसा, प्राण संकट में पड़ जाते हैं। इस हंसी से बस करो, अति शीघ्र महलों में जाओ। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है जयदेव चलो। हाँ और इस तरह पवन अपने कर्तव्यता के साथ राजशाही धर्म निभाकर पुनः राज महलों की ओर पधार रहे हैं। पिताश्री पिताश्री माताश्री कहो, माताश्री देखो मैं आ गया। पिताश्री माताश्री कहो। अरे मेरा पुत्र प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माँ। अरे मेरा पुत्र तुम आ गए मेरे लाल, जुग जुग जियो मेरे लाल। पुत्र पवन सब कुशल तो है ना? हाँ पिताश्री, हमने आपको आपके आशीर्वाद से युद्ध पर विजय प्राप्त कर लिया पिताश्री, और दुश्मनों को मुंह की खानी पड़ी, और महाराज लंकेश प्रसन्न है, और आपको धन्यवाद के साथ साथ लंका आने का निमंत्रण दिया है। पुत्र आज हमें तुम पर गर्व है, तुमने हमारे मित्र का मान रखा और हमारे सम्मान का भी। हम उचित समय देखकर अपने मित्र से लंका मिलने अवश्य जाएंगे। पुत्र युद्ध से आए हो, कुछ समय विश्राम कर लो, इस विषय पर फिर चर्चा करेंगे। ठीक है पिताश्री। वो पिताश्री महलों में? हाँ हाँ बोलो पुत्र। मैं कहना चाहता हूं सभी कुशल तो हैं, और राजदरबार कैसा चल रहा है? पुत्र राजदरबार तो वैसा ही चल रहा जैसा पहले चलता आया। प्रजा तो कुशल से है ना? हाँ प्रजा का साकुशल है। पिताश्री मैं कुछ कहना चाहता
बोलो पुत्र, वो बोलो क्या कहना चाहता है मेरा पुत्र, मैं संकोच होकर कहूं। पिताश्री अंजना कैसी है? नाम भी मत लेना। पिताश्री आप ये क्या कह रहे हैं? पिताश्री ऐसी क्या बात हुई जो आप उसका नाम सुनते ही इतना तीव्र क्रोधित हो गए? बच्चे इस विषय पर हम तत्काल बात करेंगे। नहीं पिताश्री, कोई ना कोई घटना अवश्य हुई है, आज तक मैंने आपको इतना आवेश में नहीं देखा। क्या कोई भूल हो गई अंजना से? पुत्र हम तुम्हें कैसे बताए, हम तुम्हें कैसे बताए भूल नहीं, जगन ने पाप किया है, इसने हमारे कुल के सम्मान को दोष पहुंचाई, हम उसे कभी नहीं भूल सकते। माताश्री ऐसा क्या किया अंजना ने जो पिताश्री इतने रुष्ट हो रहे हैं अंजना से? आप ही कुछ बताओ ना मां, तुम्हारे पिताश्री ठीक कह रहे हैं मेरे लाल? पुत्र जो अपराध अंजना ने किया वह क्षमा करने लायक नहीं है। माताश्री, पिताश्री आप लोग पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं, स्पष्ट क्यों नहीं बता रहे आखिर ऐसा क्या पाप कर दिया मेरी अंजना ने? तेरी अंजना तो उसकी सूरत तक नहीं देखना चाहते थे, आज इतना प्रेम क्यों उमड़ रहा? तुम्हारी इच्छी फांसी है, जबकि हम भली भांति जानते हैं उसका नाम तक नहीं सुना। तुम्हारे अंजना के संबंध के विषय में सब जानते हैं, फिर अचानक आज यह परिवर्तन कैसे हुआ? ना भाई हमारी पत्नी बदली है और ना तुम्हारी पत्नी, निकाल दिया उसे। उस पापनी को मैं सुनी। पाप? ऐसा कौन सा पाप किया अंजना ने जो आपने उसे महलों से निकाल दिया? इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले कम से कम मेरी तो प्रतीक्षा की होती। हमने पिता के साथ साथ इस राज्य का राजा भी है, उचित अनुचित निर्णय हम बड़ी बात जानते हैं, सुनना ही चाहता है तो सुन, लेकिन कहीं तुम सुन कर पाओगे? कर पाओगे सैन? जो जगन पाप मुझे ले गया, पाप 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 पाप, क्या आप मुझे बताएंगे उसने क्या पाप किया? तो सुनना चाहता है तो सुन, बिना पति के रहते एक स्त्री गर्भवती कैसे हो सकती है? है जवाब तेरे पास इस बात का? पिताजी आपने क्या गलत कर दिया? हमको पता है पिताश्री, युद्ध के चलते कुछ माह पहले
शरद पूर्णिमा की रात में मैं अंजना से मिलने आया हूँ। क्या आपको अंजना ने नहीं बताया? क्या मेरी दी हुई पुत्र दर्शन नहीं दिखाई? तू सच कह रहा है मेरे लाल? तू सच कह रहा है? था मेरे सर पे, था मेरे सर की कदर, मैं मधुका तेरी थी। मैं सच कह रहा हूँ माँ, मैं मित्र का मेरी थी। और जैसे तुम पाप कह रहे हो, मैं इसी कुल का दीपक है। अंजना मैं क्या हुआ मुझसे? अंजना में हमने हमारे भी हाथों से पाप हो गया, जिसका दंड हमारे पुत्र मधु को भुगतना पड़ा। हे भगवान, हमारी पुत्र मधु कैसे होगी? किस हाल में होगी? क्या मैं संसार में जीवित भी होगी? नहीं पिताजी, नहीं। ऐसे अब सब रखो पिताजी। पुत्र, कम से कम हम दोनों से मिलते हुए तो जाता। अगर तू मिलकर जाता तो ऐसा अनर्थ ना होता। हो सके तो हमें क्षमा कर। आज हमें अपने किए पर पछतावा है। आज क्या किया कि पाप उसने नहीं हमने किया है, और वो भी उस समय महारानी जिस समय उसे हमारी आवश्यकता थी। हे आत्मा, तू क्यों क्यों नहीं जाता? ये धरती पर क्यों नहीं जाती? इतना सुनने के बाद अब जीवित क्यों है? अब क्या मुंह लेकर जाएंगे? हताश न हो पिताश्री, इसमें आप लोगों का दोष नहीं, इसमें तो दोष मेरा मेरे भाग का है। ना जाने क्या होगी मेरी अंजना। अंजना, मैं उसे देख पाऊंगा या नहीं? अंजना, पुत्र गांव लौटो पुत्र, हम सब मिलकर अपने अंजना को कहीं ना कहीं जरूर खोज लेंगे। कहाँ खोजेंगे? आप पिताश्री सही कह रहे थे, मेरी भूल है पिताश्री। उस समय मैं आपसे मिल लिया होता तो आज यह दिन ना देखना पड़ता। उचित तो माता श्री, मैं इसका प्रायश्चित करूंगा। ए विदाता, मैं अपने माता पिता को साक्षी मारकर प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक मेरी अंजना नहीं मिलेगी, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। नहीं पुत्र, नहीं मेरे लाल, नहीं।
ये क्या कह दिया तुमने? हम सब हैं तुम्हारे साथ। तुम्हारी माँ ठीक कहती है, जब तक हमारी अंजना नहीं मिल जाती तब तक हम दोनों तुम्हारे साथ मिलकर अंजना की खोज करेंगे। हम धरती आसमां एक कर देंगे। चलो पुत्र, चलो मेरे लाल, हम अंजना को खोज लेंगे, खोज लेंगे। जाओगे तो हमारा क्या होगा? आंखें खोलो पवन, भगवान सब ठीक करेगा। महाराज प्रहलाद को आंखें खोलो मेरे लाल। महाराज प्रहलाद को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। यह कौन? पवन। यह हमारा पुत्र पवन और अंजना का पति, जो आज इस अवस्था में निडाल पड़ा है। इसने प्रण किया है कि जब तक अंजना इसे नहीं मिल जाती जब तक अंजना इसे नहीं मिल जाती यह अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा। ओ, समय का चक्र अपनी परिक्रमा पूरी करके अपने निश्चित स्थान पर आकर ठहर गया है। सही कहा है किसी ने, इंसान जो बोता है वही काटता है। महाराज क्षमा करें, आपने जो किया है उसका परिणाम भुगतना ही था। आपकी दशा देखकर प्रतीत होता है जैसे किसी बड़ी भूल का प्रायश्चित कर रहे हैं। सही कहा आपने, हम वियोग की ऐसी अग्नि में जल रहे हैं जिसकी तपन बड़े से बड़ी दापुर को फैला देती है। हम तो तुच्छ प्राणी ठहरे। ये सब्दी श्री हमसे जगन अपराध हुआ है। अंजना, अंजना का अनजाने में अनादर किया जिसका परिणाम इतना दुखदायक होगा, हमें विदित नहीं था। जब तक
काल में प्राण बचे हैं। हम अपने अंजना को पेड़ कर लाएंगे, परिणाम कुछ भी हो, लेकिन हमारा लक्ष्य की है हमारी अंजना। क्या तुमने हमारी अंजना को देखा है? क्या मैं तुम्हारे पास तो नहीं आई? क्या उसकी कोई सूचना मिली? नहीं महाराज, मेरे पास अंजना की कोई सूचना नहीं। वैसे क्या होगा अंजना के साथ? अब तुम्हें क्या बताए? हमने क्या नहीं किया? हमने पत्र उसे उस पाप के लिए महलों से निकाल दिया, गया। बस अब तो एक ही अभिलाषा है, एक बार वह मिल जाए तो हम अपने किए की क्षमा मांग लेंगे। अभी ना हो, तुम्हारी अंजना सुरक्षित है। क्या तो? आपके पास होगा योजना, हमारी अंजना सुरक्षित है। क्या बहन, अब और परीक्षा ना ले। संजय जी, आप तो कह रहे थे कि तुम्हें अंजना के बारे में कुछ ज्ञान नहीं। क्षमा करें महाराज, मुझे अंजना के बारे में सब कुछ पता है। वह भी ऐसे ही अवस्था में मिली थी जिस अवस्था में तुम्हारा पुत्र पड़ा है। भूखी प्यासी अंजना तुम्हारे पुत्र के वियोग में दर दर की ठोकरें खाकर प्रहे अपमान लज्जा क्या क्या सहन करना पड़ा, पता है आपको? आपकी एक छोटी सी भूल इन दोनों पर कितनी भारी पड़ी। लेकिन महाराज, मैं इतना भी समझता हूं इसमें आपका कोई दोष नहीं है, सब विधि का विधान है। यह सब पूर्ण भवों का कर्म का फल है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। ऐसी ही नियति थी, यही इस समस्या का समाधान है। आप लोग व्याकुल ना हो, मैं अंजना को लेकर आता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उठो मेरे लाल, मेरे पुत्र, आंखें खोलो। दुख के बादल छट गए, परीक्षा की घड़ी समाप्त हो गई, भगवान ने हमारी सुन ली। उठो पुत्र, उठो, उठो मेरे लाल, उठो, उठो मेरे लाल। उसी समय, नहीं मां, जब तक मैं अपनी आंखों से अंजना को न देख लूं, तब तक यह दुख के बादल बढ़ाते रहेंगे। प्रणाम पिताश्री। यह नहीं अंजना, 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 मेरी अंजना। हे भगवान, तुम्हें कोटि कोटि नमन है, तुमने मेरी अंजना को मुझसे मिला दिया। एक क्षण की खुशी ने मेरे सारे दुखों को भुला दिया। इसी पल की तो प्रतीक्षा थी, अंजना मुझे क्षमा कर दो। मेरी एक भूल के कारण तुम्हें कितना कष्ट सहना पड़ा। नहीं स्वामी, मैं कदाचित दुखी नहीं हूं। आप मुझे मिले, मुझे सब कुछ मिल गया।
आप व्याकुल ना हो, जो होना था हो गया, ना आपका दोष है ना मेरा, यह सब विधि का विधान है। ठीक कहा पुत्री, फिर भी हम क्षमा प्रार्थी हैं, हमें क्षमा करना, हमें क्षमा करना। हाँ पुत्री जाओ, किन शब्दों में आपका आभार प्रकट करें। राजा प्रहलाद निशब्द है, निशब्द है। देखो महारानी कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल पवन पर गया, लेकिन इसकी टोनी पर यह निशान कैसा? महाराज आपका पुत्र इस छोटी अवस्था में बहुत बलशाली है। एक समय की बात है, बेटी अंजना चौकी में भोजन बना रही थी और इस पराक्रमी बालक को खिला रही थी। यह बालक मेरे हाथों से एक सलाह पर गिर गया, मैं बहुत घबरा गया। जैसे ही इसे उठाया तो यह बालक मुस्कुरा रहा था। जब मेरी दृष्टि सलाह पर गई तो मैंने देखा वह सलाह खंड खंड हो गई और इसकी हनु पर चोट लग गई, और यह बालक भी तब भी मुस्कुरा रहा था। तब मैंने अंजना की सहमति से इसका नाम रखा हनुमान। वाह बहुत सुंदर, पीतरागी प्रभु आपका बहुत बहुत आशीर्वाद बना रहे बना रहे बना रहे। बोलिए पीतरागी प्रभु हनुमान की। लाख लाख शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। सभी को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हंस के कस के मुस्कुरा के आपस में जय जिनेंद्र, कोई गलती हुई हो क्षमा करना, क्षमा करना। बहुत सुंदर कार्यक्रम भारतीय तपोवन आर्ट ग्रुप द्वारा प्रस्तुत किया गया सौरभ जैन जी के द्वारा। एक बार जोरदार तालियां बजा करके स्वागत सम्मान कीजिएगा, बहुत सुंदर। और हमारे बीच कुछ अतिथि मुजफ्फरनगर से पधारे हैं, जैन मिलन नमोकार और माता पिता हमारे उनके पुत्र अक्षय जी सौरभ जैन जी का सम्मान कर रहे हैं, स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। हमारे बीच कुछ अतिथि मुजफ्फरनगर से पधारे हैं, जैन मिलन नमोकार